प्रदेश की संस्कृति मंत्री विजयलक्ष्मी साधो द्वारा अखिल भारतीय कालिदास समारोह का शुभारंभ किया गया। प्रदेश की संस्कृति व चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष मंत्री डॉक्टर विजयलक्ष्मी साधो ने कहा कि महाकवि कालिदास की रचनाओं की पांडुलिपियों पर फिर से रिसर्च का कार्य कालिदास अकादमी के माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कवि कालिदास की स्मृति में आयोजित होने वाले अखिल भारतीय कालिदास समारोह का स्वरूप आगामी वर्षों में भव्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक समय में कालिदास अकादमी की प्रतिष्ठा विश्व स्तरीय थी। इस समारोह में राष्ट्रपति शंकरदयाल शर्मा सहित अनेक विद्वानों ने शिरकत की है। हमारी सरकार की कोशिश रहेगी कि कालिदास अकादमी एवं अखिल भारतीय कालिदास समारोह का विराट स्वरूप एवं सम्मान पुनः लौटाया जाए। तत्कालीन राष्ट्रपति शंकरदयाल शर्मा जी को भी लेके आई थी और हर बारी गवर्नर साहब मोहम्मद शफी कुरैशी उस वक्त थे, उनको लेके मैं आती थी और बहुत विस्तृत रूप से हम लोग मनाते थे। इस वर्ष मैंने खुद ही ने कहा कि हम लोग बहुत अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन आने वाले समय में आपको लगेगा कि कालिदास समारोह क्या होता है। मैं कोशिश पूरी करूंगी। जहां तक आपने बताया बच्चों का, तो बच्चों को रूबरू कराना हमारी परंपरा से, हमारी संस्कृति से आज की आवश्यकता है, क्योंकि आपने सबने देखा होगा कि साहित्य और संगीत की जब गोष्ठियाँ होती हैं तो उपस्थिति कम होती है, आवाज़ भी आप ही लोग उठाते हो। तो हमारा मकसद ये है कि अकेडमिया बनकर नया रहे, इसमें आम जन भी जुड़े, और आम जन से हमारा तात्पर्य है कि जो हमारी परंपरा है, हमारी जो पुरानी पीढ़ी है, उससे हम अतीत को से वर्तमान को, हमारी जो आज की पीढ़ी है उससे रूबरू कराएं, और इसके कारण हम लोग बच्चों को भी इसमें इन्वॉल्व कराएं। संस्कृति मंत्री ने कहा कि जब तक कालिदास समारोह में समाज की भागीदारी नहीं होगी तब तक यह समारोह सरकारी स्वरूप ही बना रहेगा। इसी के साथ संस्कृति मंत्री डॉक्टर विजयलक्ष्मी साधो द्वारा राष्ट्रीय कालिदास सम्मान रंगमंच प्रसिद्ध लेखक सुरेंद्र वर्मा को दिया गया। हिंदी नाटकों के लेखक सुरेंद्र वर्मा को प्रशस्ति पत्र, शॉल, श्रीफल एवं कालिदास सम्मान से विभूषित किया गया। मंत्री डॉक्टर साधो ने अखिल भारतीय कालिदास समारोह के शुभारंभ के पूर्व कालिदास अकादमी में दीप प्रज्वलित कर वहां लगाई गई 2018 की पुरस्कृत माल विकाग्नि मित्रम नाट्य पर आधारित चित्रकला व मूर्तियां तथा 2019 में दूतम नाट्य पर आधारित चित्रकला प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इसके अलावा मंत्री डॉक्टर साधव ने अश्विनी शोध संस्थान द्वारा लगाई गई विक्रमादित्य व महाकवि कालिदास के समय के सिक्कों की प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। संस्कृति को मध्य प्रदेश के अंदर उत्कर्ष रूप में आप लेके आए और उसकी उत्कर्षता बरकरार रहे। यहाँ पर जितने भी हमारी विधाएं हैं, जो साहित्य है, संगीत है, कला है, फोक है, सब विचरण करे, स्वतंत्र रूप से उनका संरक्षण और संवर्धन हो, ये हमारी प्राथमिकता है। लोकल प्रतिभाओं को भी मंच प्रदान करना, साथ में प्रदेश और देश की प्रतिभा भी आए, उत्कृष्टता रहे और उसमें हर राज्यों का भी उसमें समावेश रहे, कालिदास से भी संबंधित रहे और हमारे अन्य संस्कार, अन्य संस्कृतियाँ, अन्य विधाएं भी उसमें आए, इसका सबका मिला जुला रूप रहे, तो मैं समझती हूँ कि इससे हमारी भविष्य की पीढ़ी को उससे रूबरू होने का